में 3 माह से ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट की मौजूदगी का इंकशाफ करते हुए कहा। NCOC कोरोना सूरतेहाल की मॉनिटरिंग कर रहा है। कराची शहर कायद में गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड के हाथों जख्मी होने वाले तालिब इल्म ने इंकशाफ किया है कि उसके कहने पर भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अस्पताल पहुंचाने में कोई मदद नहीं की। इस्लामाबाद नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत का कहना है कि गुज़श्ता वर्ष 2 मिलियन मेट्रिक टन को कम गंदम पैदा हुई, जरूरत पूरी करने के लिए गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला किया गया है। भारतीय अदाकारा तनिषा खुदकशी केस में अहम मोड़ आया है और अदाकारा के गिरफ्तार दोस्त शेजान खान के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया पंडोरा बॉक्स खोल। इस्लामाबाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की तारीख में पहली बार बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए बेहतरीन टैलेंट ब्रोकर लाए जाएंगे। चैंपियंस ऑफ रिफॉर्मर्स नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा।